आज नदी का पानी पहले मतलब गंदा नहीं था, पहले मतलब साफ था, और अभी मतलब कुछ दिन पहले गंदा हो चुका है। देखिए गाइज, हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी का सीन ऐसा है गाइज, अभी मैं जस्ट एक ब्लॉग एंड किया हूँ और अभी मैं जस्ट एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ। तो गाइज कहने का मतलब है कि अभी आज मतलब मैं मतलब दो ब्लॉग शूट करते गाइज एक दिन में। और गाइज अभी मैं जा रहा हूँ मस्त नदी की तरफ घूमने के लिए, तो चलिए गाइज चलते हैं मस्त और देखते हैं वहाँ का मतलब क्या सीन रहता है। तो चलिए चलते हैं, बाय द वे नदी का मतलब सीन काफ़ी मस्त है और काफ़ी प्यारा है, तो चलिए चलते हैं गाइज। तो गाइज अभी हम घर से निकल गए हैं, देखिए और हमारे गाँव का स्कूल है गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। और देखिए गाइज हमारे गाँव का रोड है, मतलब मतलब यहीं जाता है बंगरी की तरफ, मतलब नदी की तरफ यही रोड जाता है गाइज। देखिए और अभी हम इसी रोड से जा रहे हैं गाइज, ये बहुत पुराना रोड है और मतलब अभी तक ऐसा ही है, बना नहीं है, जैसा पहले था वैसा अभी है। और गाइज देखिए मेरे सामने एक ट्रैक्टर वाला है, देखिए साइड लेकर ठीक है, साइड लेकर से मतलब पहले साइड से निकल जाएंगे। तो गाइज हम ट्रैक्टर से आगे निकल गए हैं साइड लेकर, ठीक है, और अभी हम आगे जा रहे हैं। तो चलिए, और गाइज यहाँ से मतलब थोड़ा दूर और आगे जाने पे मतलब नदी मिलेगा, तो यहाँ से मतलब करीब ही है, तो अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ। और गाइज कहने का मतलब है कि यह नदी मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना नदी है और काफ़ी मस्त नदी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी मतलब हमेशा चलते रहता है गाइज। और गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बच्चे हैं मतलब इसी नदी में आए थे घूमने के लिए, इधर हाय बोलो। यहाँ पर दो बच्चे हैं इसी में मतलब घूमने के लिए आया था लोग, तो अभी घूम कर लोग जा रहे हैं गाइज। और गाइज फाइनली हम आ चुके हैं नदी के पास, देखिए गाइज ये रहा नदी, जैसा कि आप लोग देखिए मतलब मतलब हमारे गांव का नदी है, गांव के मतलब ठीक बगल में पड़ता है। तो चलिए आप लोग को सिनेमेटिक व्यू से दिखाते हैं गाइज। गाइज नदी का पानी पहले मतलब गंदा नहीं था, पहले मतलब साफ था, और अभी मतलब कुछ दिन पहले गंदा हो चुका है। देखिए गाइज नदी में गाइज काफ़ी ज़्यादा पानी है, बट अभी इसमें पानी गंदा हो चुका है, मतलब बिल्कुल फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह है और सब गंदा हो चुका है देखिए। और मतलब नदी के बीच में बहुत सारा वहाँ पे घास वगैरह जम रखा है देखिए, और इसमें गाइज मतलब बहुत सारा पानी आता है मतलब बरसात के दिनों में, मतलब नदी मतलब काफ़ी मतलब भर जाता है पानी से, इसमें बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं गाइज, और इसमें बहुत सारे लोग मछलियाँ भी मारते हैं। और गाइज इधर मतलब पूरा रेत ही रहता है, पूरा मतलब बालू ही बालू है, देखिए यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बालू है इधर, मतलब पूरा खारा बालू, जैसे रेगिस्तान में बालू होता है ना गाइज, वैसा ही यहाँ बालू है, पूरा खर्रा है गाइज। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे जेसीबी से खोदा गया है ना, तो गाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पर पानी आ चुका है, मतलब नदी उधर है गाइज, देखिए नदी मतलब उस पड़े मतलब बह रही है पानी, और यहाँ पर मतलब जो खोदा गया है ना, तो यहाँ पर मतलब आ गया है पानी, मतलब उधर से निकासी कर इधर आ गया है गाइज, देखिए यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत पानी लग गया है, और मतलब यहाँ पे खाली सिर्फ गड्ढा करने पे पानी आ गया है गाइज। और गाइज मतलब इस नदी में मैंने मतलब बहुत हमने स्नान वगैरह भी किया है और बहुत हमने घूमा भी है, इसमें घूमा फिरा भी है, तो आप लोग मतलब कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मतलब कैसा लगता है इस नदी का फुटेज। देखिए यहाँ पर क्या ही मस्त एकदम पानी बह रहा है दोस्तों, देखिए क्या ही मस्त गाइज करना जा रहा है, देखिए आप लोग हम दिखाना चाहते हैं आज वो पुल ना, मतलब काफ़ी पुराना पुल है, तो अभी हम जा रहे हैं पुल के ऊपर, पुल के ऊपर चल कर दिखाते हैं, पुल काफ़ी पुराना है और काफ़ी मतलब अच्छा पुल है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पुल के ऊपर, देखिए पुल के ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा है गाइज। और गाइज कहने का मतलब है कि आप लोग इस पानी का आवाज़ सुने, मतलब जो पानी बह रहा है ना, इसका आप लोग आवाज़ सुने कि कितना मस्त, क्या ही मस्त और कहीं प्यारा आवाज़ सुना जा रहा है, देखिए आप लोग सुनिएगा, देखिए गाइज कितना मस्त और कितना प्यारा आवाज़ सुनाई आप लोग दे रहा होगा, मतलब पानी और टकराव दोनों एक साथ आप लोग सुनाई दे रहा होगा, तो क्या ही मस्त लग रहा है और क्या ही मतलब प्यारा लग रहा है साउंड इसका, पानी और टकराव का। और यहाँ पे मतलब गाइज बहुत सारे लोग अपने मतलब पशु वगैरह पालन करते हैं लोग, देखिए इधर मेरे पीछे भैंसी जा रही है, तो मतलब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भैंसी का पालन वगैरह भी करते हैं लोग, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी मज़ा आता है देखने में। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने गाँव वाले मंदिर के पास, देखिए गाइज हमारे गाँव वाला मंदिर है, वो गाइज शंकर जी का मंदिर है और दुर्गा माता का मंदिर है, और वहाँ पे वो बजरंग बली का मंदिर है जो कि काफ़ी पॉपुलर मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट ब्लॉग में बताया था गाइज, ये मतलब बहुत ही पारंपरिक मंदिर है और सामाजिक मंदिर है, जैसे होता है ना गाइज कि मतलब ये गांव वाला मंदिर है, गांव के लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था लोग और बनवाया था लोग, सारा खर्च वगैरह गाँव के लोग मतलब मिलकर इस मंदिर में लगाया था लोग। और गाइज कहने का मतलब है कि इधर एक मंदिर बन रहा है पार्वती माता का,
तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे मतलब कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। गाय देखिए यहाँ पे छड़ वगैरह बंधा रहा है, पार्वती माता का मंदिर मतलब का निर्माण हो रहा है ना, तो वहीं पे मतलब छड़ वगैरह बांधा जा रहा है, मिस्त्री साहब वहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए तो गाय जब हम आ चुके हैं पार्वती माता के मंदिर के पास, देखिए गाय यहीं पर मतलब मंदिर वगैरह बनने वाला है, अभी नींव को खुदाई हो रहा है। देखिए देखिए गाय अभी नींव का खुदाई हो रहा है, यहाँ पे एक चाचा नींव को खोद रहे हैं और यहाँ पे मतलब पार्वती माता का मंदिर बनने वाला है, और उधर भी कुछ लोग काम वगैरह कर रहे हैं लोग। देखिए और यहाँ पे चाचा ये मतलब इतना सारा अभी मिट्टी को खोदे हैं और अभी खोद रहे हैं, और यहाँ पे मतलब दो चार दिन के बाद काम स्टार्ट होगा क्या चाचा। और गाय यही मिस्त्री साहब है मतलब जो पार्वती माता के मंदिर को बनाने वाले हैं, इसमें हाय बोलिए तो इस तरह हाय बोलिए मिस्त्री साहब, इस तरह बोलिए हाय। यही मिस्त्री साहब है अभी जो मतलब छड़ को बांध रहे हैं यहाँ पे देखिए, और यही छड़ मतलब लगेगा मंदिर का निर्माण करने में और पार्वती माता का मंदिर बनाने में यही छड़ काम आएगा, तो अभी इसी को मतलब बांध रहे हैं। तो गाय जब नदी घूम लिए हैं, नदी घूम कर ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी मतलब मज़ा आया। तो गाय जब हम निकल गए घर की तरफ, देखिएगा जब हम घर की ओर जा रहे हैं एकदम मस्त, देखिए तो चलेगा चलते हैं मस्त घर की तरफ। तो गाय जब हम घर पे आ गए हैं और गाय देखिए यहाँ पर अंजलि एकदम मस्त सब्जी बना रही है। गाय कहने का मतलब है सब्जी मुझे भी बनानी आती है, तो हम भी मतलब किसी ब्लॉग में बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि अंजलि से अच्छा सब्जी हम बनाते हैं और अंजलि को ऐसा बनाना नहीं आता है। गाय क्या अंजलि, हम पतर पतर के चलते हैं। गाय अंजलि बोले कि हम पतला पतला सब्जी काटते हैं, और हम ही तो पतला पतला काटते हैं। नहीं, तेरे से पतला मैं काटता हूँ, समझी। देखिएगा जी अंजलि कितना मोटा मोटा सब्जी बना रही है, हम इसे पतला पतला सब्जी बनाते हैं। तो गाइस हम भी आप लोगों को मतलब किसी ब्लॉग में हम सब्जी बनाकर काट कर दिखाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।